हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक जोशी जो महाराष्ट्र में कोविड 19 टास्क फोर्स के सदस्य हैं। डॉक्टर शशांक जोशी, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय बहुत दर्शक हमें देख रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। ऐसे में मुंबई ने कैसे, इस महाराष्ट्र ने कैसे मैनेज किया 92,000 मरीज, 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन? मुंबई और महाराष्ट्र में जब ये बाढ़ आई, दूसरी बाढ़ आई, तब हमने टास्क फोर्स के तरफ से ऑक्सीजन ऑडिट और ऑक्सीजन रैशनलाइजेशन की गाइडलाइंस भेजी सब जिलों में, और ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है वो रैशनलाइज किया। हमने देखा कि जो हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन काफ़ी 60 लीटर तक चला जाता है, तो वो बंद करके बाईपैप या NIV के अल्टरनेटिव मेथड्स की सजेशन दी और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। हमें भी अप्रैल के पहले दो हफ्ते में बहुत कठिनाई हुई ऑक्सीजन की, अभी भी हमको शॉर्टफॉल है ऑक्सीजन का पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई को इंक्लूड करते हुए भी। जो हमारे अभी आंकड़े थोड़े कम होने लगे हैं और ये बाढ़ थोड़ी कम होने लगी, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं लास्ट दो हफ्ते से, लेकिन फिर भी हमने जो ऑक्सीजन का यूज है वो रैशनलाइज किया और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोऑर्डिनेशन रखा था। एक वॉर जोन रखे थे, वॉर रूम रखे थे, और काफी हद तक जो डिसीजन मेकिंग था वो डिसेंट्रलाइज किया था मुंबई शहर ने। उसके वजह से क्या हुआ कि लोगों को कठिनाई कम हुई, फिर भी पहले दो हफ्ते में अप्रैल के तो काफी कठिनाई हुई पर्टिकुलरली बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हम मैनेज कर पाए थे तब, और अभी थोड़ा ईज आउट हो गया है, तो अभी थोड़े बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड भी अवेलेबल है। अभी भी ICU बेड्स की थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अभी जैसे आंकड़े कम हो रहे हैं तो कम हो रहा है, लेकिन हमको जो मेन था कि ऑक्सीजन को हमने जो यूटिलाइजेशन था डॉक्टरों द्वारा थोड़ा रैशनलाइज करने के कारण हमको थोड़ी राहत मिली थी वो पहले दो हफ्ते में। और हमारी यही प्रार्थना है कि पूरे भारतवंश में जो कोविड अभी फैला है वो भी बाढ़ कम एक दो चार हफ्ते में एक हमको संकेत दिखेगा कि वो भी कम होना चालू हो जाएगा। डॉक्टर शशांक, जो महाराष्ट्र ने लॉकडाउन काफी पहले लगा दिया था और राज्यों से, क्या ये मदद आपके लिए बड़ी रही, इसलिए कोरोना पे आप इतनी जल्दी काबू पा पा रहे हैं, आंकड़े आपके यहाँ कम हो रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन से जरूर थोड़ा फायदा हुआ, रिस्ट्रिक्शन से फायदा हुआ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करने के लिए। जैसे मुंबई में हमने और जम्बो हॉस्पिटल डाल दिए, 4 जम्बो हॉस्पिटल डाले, 4,000 बेड्स और डाल दिए, तो उसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने के लिए जरूर फायदा हुआ रिस्ट्रिक्शन से। और क्राउडिंग जब अवॉइड होता है तो आंकड़े कम होते हैं, लेकिन आपको सबको ये समझना चाहिए कि हम परमानेंट रिस्ट्रिक्शन में नहीं रह सकते, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन में रह सकते हैं। उसके लिए डबल मास्किंग और जो क्राउडिंग अवॉइड करना है वो अनिवार्य है, तो उसका फायदा तो जरूर हुआ, ब्रेक द चेन के लिए फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म अनलॉकिंग के टाइम हमको काफ़ी दिक्कत आएगी। बट एक चीज़ के लिए फायदा हुआ कि जो हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो ऑलमोस्ट 30% तक चला गया था, जैसे अभी दिल्ली का भी ऑलमोस्ट 30-35% से भी 20% पे आया है, वो जरूर मुंबई में हम 10% के नीचे ला पाए। डॉक्टर शशांक, एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र ने बड़ी ईमानदारी के साथ टेस्ट किए, बाकी राज्यों में आंकड़ों को छुपाया गया या टेस्टिंग कम हुई तब आंकड़े कम हुए, लेकिन महाराष्ट्र ने शुरुआत से ही पूरी ईमानदारी के साथ टेस्टिंग की और जो आंकड़े आए वो सामने रखे, इससे भी कहीं ना कहीं आपको मदद मिली, क्योंकि लोगों में खुद ये समझ आई कि देखो ये आंकड़े इतना तेजी से बढ़ रहे हैं तो अब हमें अपने को कंट्रोल करना है, मास्क लगाना है? ये बात सही है कि हमने जितना हो सका उतना टेस्टिंग को रैंप अप करने का कोशिश किया, लेकिन अप्रैल के पहले दो हफ्ते में हमारे टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तनाव आया था। तब हम 50,000 टेस्ट मुंबई में नहीं कर पा रहे थे, टेस्ट करने के लिए कभी कभी अपॉइंटमेंट के लिए 2 दिन लगते थे, रिजल्ट के लिए 2 दिन लगते थे, लेकिन जैसे ही दूसरे हफ्ता अप्रैल के बाद हमने कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद हम ज़्यादा टेस्टिंग कर पाए। अभी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास टेस्ट एडिक्वेट है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे बहुत होता है, और अभी भी हमारा ये प्रयास है कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी और कैसी बढ़ाएं, और जैसे टाटा की क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फेरुदा की है वो यूज़ करें, होम बेस्ड टेस्टिंग जो ICMR की मान्यता प्राप्त टेस्ट और बढ़ा लिए जाए, इसके ऊपर हमारा अभी भी जिक्र है। महाराष्ट्र में भी हमारी कैपेसिटी नहीं थी 1,00,000 के ऊपर टेस्ट करने की, अब हम करीबन 2,50,000 टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी प्रयास तो है कि जितना टेस्ट करें उतनी जल्दी हमको पता चले कि किसी को कोविड है और उसके ही आइसोलेट करके उसकी ट्रीटमेंट चालू करें।
डॉक्टर शशांक, जो बड़ी चिंता इस समय निकल कर सामने आ रही है वो ये कि COVID-19 जो मतलब जो कोरोना है अब वो गांव तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के गांवों में क्या स्थिति है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। महाराष्ट्र गांवों में भी बहुत तकलीफ वाली स्थिति है, गांवों में पहुंच गया था ऑलमोस्ट मार्च में, आपने देखा रहेगा अकोला, अमरावती और विदर्भ रीजन में और मराठवाड़ा के काफी जिलों में, छोटे छोटे गाँवों में कोरोना की जो दूसरी बाढ़ है वहीं से शुरू हुई थी। तो हमको बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ पे भी एजुकेशन की बहुत जरूरत है, आइसोलेट करने की बहुत जरूरत है। वहाँ पे गांव में लोग काफी डर जाते हैं कि टेस्ट नहीं करते, बाहर नहीं आते, पहले हफ्ता अपने आप ही थोड़ी ट्रीटमेंट कर लेते हैं और फिर बहुत लेट आते हैं और फिर कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, सब जो छोटे छोटे गाँव है, अपने टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स है, छोटे गाँव है वहाँ पे, कि ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो तुरंत टेस्ट कराओ, ट्रेस करो जिनको जिनको आपके साथ है, सेल्फ आइसोलेट करो और वैद्यकीय मदद तुरंत ले लो और डॉक्टर से संपर्क रखे रखो, इलेक्ट्रॉनिकली संपर्क रखे रखो, टेलीफोन से संपर्क रखे रखो और जल्दी जांच करके सेल्फ आइसोलेट और ट्रीटमेंट लेके वो मरीज भी ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर शशांक दिक्कत ये आ रही है ना, हमने जी लोकल लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमने महाराष्ट्र में ये जरूर देखा है और अभी भी हमारा प्रयास चालू है कि उनको हम मराठी में समझाएंगे और उनको उनके लोकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेके ही हम इससे बाहर पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक उनका कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत ही आएगी और ये प्रयास भी अभी जारी है और हम देख रहे हैं कि काफी जिलों में जो 12 अफेक्टेड जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां से भी कोविड थोड़ा थोड़ा भी कम होने लगा। अच्छी खबर है डॉक्टर शशांक। दिक्कत एक ये भी आ रही है कि गांव से जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो अच्छी खासी दूरी पर हैं और एम्बुलेंस का उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में मौजूद नहीं है, इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं आप? ये तो हमने पहले वेव में भी देखा था कि जो कनेक्टिविटी है छोटे से छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से तालुका प्लेस और तालुका प्लेस से बड़े जिले, इसकी कनेक्टिविटी बहुत टेलीफोनिकली, डिजिटली और ट्रांसपोर्टेशन से रहनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और एम्बुलेंस सर्विसेज और काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज मदद कर रही है इसमें और महाराष्ट्र में तो ये अग्रेसर है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी मरीज सपोज उनको लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो उसको तुरंत शिफ्ट किया जाता है। दूसरा एक फ़ायदा है, महाराष्ट्र में काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस भी छोटे छोटे शहरों में और गाँवों में है और उनकी काफी हमको मदद मिली है, प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस दोनों, और उनको हमको काफी मदद मिल रही है क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे वो कनेक्टिविटी कर देते हैं छोटे छोटे गाँवों में, तो वहाँ पे जो सीरियस मरीज होता थे उनको जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। लेकिन इसमें हमने जरूर देखा कि कभी कभी थोड़ा वक्त निकल जाता है तो वो वक्त कैसे कम करें और टेक्नोलॉजी के मार्फत कैसे उनको, उसको हम हब और स्पोक मॉडल बोलते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उनको कैसे कनेक्ट करें, ये इसका भी अभी प्रयास चालू है और उसका एक नेटवर्क सिस्टम है। हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है डॉक्टर व्यास और हमारे जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है सरो विजय जी ने, उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमिटी से मेडिकल कॉलेज और छोटे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तालुका के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनका एक समन्वय करके एक नेटवर्क बनाया। ठीक है डॉक्टर शशांक, वैक्सीन की रफ्तार बेहद धीमी है, वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, या ये भी आरोप है कि आपके राज्य में वैक्सीन खराब बहुत हुई इस वजह से वैक्सीन की कमी हो गई। आप विदेशी वैक्सीन के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी कोशिश की है, वो बात कहाँ तक पहुँची है? जॉनसन एंड जॉनसन से शायद आपकी बातचीत चल रही है और भी तमाम जो विदेशी वैक्सीन हैं, कब तक तेज़ी महाराष्ट्र में आ जाएगी वैक्सीन को लेकर, क्योंकि एकमात्र हथियार फिलहाल तो वैक्सीन ही दिखाई दे रहा है? हम वैक्सीन की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको वस्तुस्थिति की एक चीज़ करनी चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन अभी उतने तादाद में नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो सप्लाई डिमांड का एक रेशियो है। हमको लग रहा है कि जो वैक्सीन ऑर्डर दिए है हमने राज्य सरकार ने, उसको पूरी करने के लिए मई के दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में ही पूरी पा पाएगी और जून तक हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम फुल स्पीड पे चला जाएगा। अभी भी हम बाहर से भी अभी भी कोई ग्रीन सिग्नल तो आया नहीं है, जॉनसन को उनके सबके अभी ट्रायल चालू है, लेकिन ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है और या कोविशील्ड है या अभी जाइडस कैडिला का जो वैक्सीन आएगा और रेडी लैब का जो स्पुटनिक है, ये हमको लगता है ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होते होते मई का लास्ट हफ्ता और जून का पहला हफ्ता आ जाएगा। अभी तो काफ़ी धीमे तरफ से चल रहा है क्योंकि हमारा फिर भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। देखो 18 से 45 ईयर्स के जो वैक्सीनेशन है उनको जो भी प्रोक्योरमेंट मिल रही है
उसका तो पूरा कोविन ऐप से ही कंट्रोल हो जाता है कि इनको देना है कैसा देना है। तो टारगेटेड वैक्सीनेशन हम नहीं कर पा रहे और प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन नहीं मिल रही। अभी आप कितनी वैक्सीन महाराष्ट्र में लगा ले रहे हैं एक दिन में डॉक्टर शशांक, कुछ आंकड़ा आपके पास? अभी तो काफी आंकड़ा हमारे पास तुरंत तो आंकड़ा नहीं है। इनफैक्ट बंबई शहर में तो सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन पूरा बंद हो चुका है और काफी सेंटर्स में कल ही वैक्सीन आया है। ऑलमोस्ट 3-4 दिन की वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद हो चुका था। तो हमको काफी निराश है कि वैक्सीन के फ्रंट पे हम जितने तेजी से वैक्सीन लगाना चाहिए वो नहीं कर पा रहे और इसके लिए पूरी शासकीय यंत्रणा और हम केंद्र सरकार के साथ भी रोज कॉन्टेक्ट में है कि हमको वैक्सीन की ये जो क्राइसिस है उससे कैसे निकालें। डॉक्टर शशांक, तीसरी लहर की बात भी की जा रही है और तमाम वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि तीसरी लहर को आने से रोका नहीं जा सकता है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार की या पूरे देश की ये कोशिश होनी चाहिए कि जब तक तीसरी लहर का अटैक हो तब तक हम कम से कम अपनी 60-70% आबादी को वैक्सीनेट कर दें, उसके लिए क्या तैयारी आपकी? तो तीसरी लहर तो आएगी बिकॉज हमको ये तो पक्का पता है कि हम हमारे पूरे जो 70% लोगों को वैक्सीनेट कर नहीं पाएंगे। हमको वैक्सीनेट करने के लिए एटलीस्ट 6 महीने से 9 महीने लग जाएंगे। तो तीसरी लहर के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लेकिन 2-3 चीज है कि तीसरी लहर किसके ऊपर है। हमने दूसरी लहर भी प्रिडिक्ट की थी एंड ऑफ दिसंबर और जैन में आएगी, 2-3 महीने के बाद आई है। तो उसके ऊपर दो कारण है, एक तो वायरस कैसा बिहेव करेगा, कुछ नया म्यूटेशन नहीं आएगा और लोग कैसे बिहेव करेंगे। यदि आप डबल मास्क डालेंगे और क्राउड नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो तीसरी वेव हमने प्रिडिक्ट की है, जो मैथमेटिकल मॉडल्स और हमारे जो नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न जो है महाराष्ट्र का, हमको लगता है ये संकेत देता है कि सितंबर तक आ सकती है और इसका जो प्रमाण रहेगा, तीव्रता रहेगी, वो सेकंड वेव से कम रहेगी लेकिन फर्स्ट वेव से थोड़ी ज्यादा रहेगी और हमको ये माइल्ड लगेगी उसमें जो प्रादुर्भाव होगा, लेकिन हमको सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, हमको ये भी लगता है कि इसका एज ग्रुप है, एज ग्रुप है वो छोटे बच्चों को भी अफेक्ट हो सकती है और युवा को अफेक्ट हो सकती है, तो उनके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है और बहुत जरूरी है। इसका मतलब डॉक्टर शशांक जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, नागरिकों को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि दूसरी लहर का असर कम हो तो फिर से एक बार लापरवाही, शादी ब्याह पार्टी और मॉल में जाना शुरू हो जाए, भीड़ लगाना शुरू हो जाए। तो अब प्रशासन सरकार अपना काम कर रही है, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि मास्क लगाएं और इस तीसरी लहर को आने से रोके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशांक, आपने बहुत तसल्ली के साथ हमसे बात की और बड़ी जानकारी हमारे साथ साझा की। ABP News आपको रखे आगे।